एस्टेरॉयड 2022 AE1 ने साल 2022 के पहले हफ्ते में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। तभी ये आशंका लगाई गई थी कि अगर इसकी दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो ये धरती से टकरा सकता है। इस वजह से साल के पहले हफ्ते में यूरोपियन स्पेस एजेंसी समेत दुनिया भर के कई वैज्ञानिक तनाव में थे। अब यही एस्टेरॉयड फिर से जुलाई 2023 में धरती की ओर आ रहा है, तो इस बार इसके टकराने की कोई आशंका है? 6 जनवरी 2022 को एस्टेरॉयड 2022 AE1 के ऑर्बिट की जब गणना की गई थी तब पता चला था ये धरती से टकरा सकता है। इसकी गणना के लिए एस्टेरॉयड ऑर्बिट डिटरमिनेशन नाम का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो एस्टेरॉयड की गति ऑर्बिट के हिसाब से ये गणना करता है कि ये धरती से टकरा सकता है या नहीं। अगर आशंका है तो कब और कहां? ESA समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक एक हफ्ते तक एस्टेरॉयड 2022 AE1 के टकराने संबंधी आशंका को लेकर गणित लगाते रहे हैं। हर बार के जोड़ घटाव के बाद नतीजा यही निकल रहा था कि ये धरती से टकरा जाएगा। इससे वैज्ञानिकों की हालत पस्त हुई पड़ी हुई थी, पसीने छूट रहे थे। इस तरह के एस्टेरॉयड के खतरे की गणना प्लेमो स्केल पर काफी ज्यादा ऊंची थी। इस स्केल पर एस्टेरॉयड के खतरनाक होने की गणना की जाती है। ESA की नियर अर्थ ऑर्बिट कंडीशन सेंटर के एस्ट्रोनॉमर मार्को मेसेली ने एक बयान जारी करके कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में कभी भी इतना रिस्की एस्टेरॉयड नहीं देखा। हमारी गणना दिखा रही थी कि एस्टेरॉयड 2022 AE1 4 जुलाई 2023 को धरती से टकराएगा। इसे रोकने के लिए कुछ करने की स्थिति भी नहीं बन रही है। टक्कर पूरी तरह से संभावित थी। ये आसमानी पत्थर इतना बड़ा था कि धरती पर भारी नुकसान पहुंचा देता। 12 जनवरी को एस्टेरॉयड 2022 AE1 दिखना बंद हो गया। वो चांद की रोशनी में गायब हो गया। वैज्ञानिक फिर अंधेरे में थे कि अब क्या होगा। उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अब एक नया डेटा आया है कि जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि एस्टेरॉयड धरती के बगल 4 जुलाई 2023 को करीब 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा, यानी घबराने की बात नहीं है। मार्को ने बताया कि ऐसा लगता है कि हमसे गणना करने में कहीं कोई बड़ी चूक हो गई थी या फिर AOD में दिक्कत थी, क्योंकि आम तौर पर हर एस्टेरॉयड शुरुआत में रिस्क जोन में ही रखा जाता है। दूरी घटने के साथ साथ उसकी रिस्क जोन का स्तर भी बढ़ता रहता है, लेकिन इसने तो डरा ही दिया था। असल में जैसे जैसे एस्टेरॉयड धरती के नजदीक आते जाते हैं हमारी गणना सटीक होती रहती है, लेकिन कहीं किसी चूक ने इसे बिगाड़ दिया था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।